हेलो एवरीवन, ऋषिकेश। अपस तो आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स का टॉपिक हम लोग देखेंगे, जिसको रैशनल नंबर्स कहते हैं। और हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, फ्रैक्शन से वो कैसे अलग है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज इंटीजर से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि इंटीजर्स का यूज़ होता है रैशनल नंबर में। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि किसी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है, जैसे 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। और हम नंबर लाइन पे देखेंगे हम रैशनल नंबर को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये लास्ट के जो दो टॉपिक है सबसे टफ होते हैं बच्चों के लिए। मैं तो कई बार बता बता के परेशान हो चुका हूँ, पर ये कॉन्सेप्ट मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, आपको आज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर को। तो रैशनल नंबर है क्या? किसी भी नंबर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर है। एक कंडीशन है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन भी बेसिकली, फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, सिंपल सा डेफिनेशन है। उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब दोनों का तो बिल्कुल सेम दिख रहा है नोटेशन, बिल्कुल सेम तरीके से हम दोनों को शो करें, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? तो फ्रैक्शन हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ होल नंबर्स को करते हैं। पर रैशनल नंबर में क्या करते हैं? हम इंटीजर्स यूज करते हैं। बस यहीं से डिफरेंस शुरू हो जाती है। इंटीजर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटीजर्स को हम और एक बार क्लियर कर देते हैं। हालांकि ये क्लास 7 का टॉपिक है, और हम लोग पिछले क्लास में, क्लास 7 में बता ही चुका हूँ, सारे नेगेटिव नंबर्स, ओके, 0, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन वैसा रैशनल नंबर है जिसमें कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं। ओके, रैशनल नंबर ऐसा है, फ्रैक्शन तो नहीं है, फ्रैक्शन से अलग पार्ट है, जिसमें हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की तरह ही पी बाई क्यू फॉर्म में हम शो करते हैं, लेकिन हम इसमें इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव तो यूज कर ही सकते हैं फ्रैक्शन की तरह, लेकिन अलग क्या है कि हम इसमें नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव जो साइन है वो न्यूमिनेटर में भी यूज हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी यूज हो सकता है। बहुत सिंपल सा बात है। तो इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी इसके लिए भी लागू होती है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से फ्रैक्शन में यूज होता है, बिल्कुल सेम टाइप में यहाँ भी यूज होगा। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि हम सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं कहां पर? जब हम एडिशन देखें या मल्टीप्लिकेशन, तो ही ये वैलिड है। ओके, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ भी है, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, मतलब आप फ्रैक्शन में ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे। तो एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 1/2, एंड दूसरा ले लेते हैं 3/5। ओके, ये दोनों बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इनके बीच में क्वेश्चन आ गया, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/5। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर अलग है, इसका मतलब डिनोमिनेटर अलग मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना, यानी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। अब देखिए 1/2 को इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, ये हो जाएगा 5/10, ये क्लियर हो गया। 3/5 को इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2, ये भी इंटू 2 कर देंगे, 6/10 हो जाएगा। ओके, यानी अब हमको 5/10 और 6/10 के बीच का 5 रैशनल नंबर निकालना है। ओके, इनके बीच का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको 5 निकालना है ना, 5 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। पर क्योंकि हम समझाने के लिए ले रहे हैं, तो हम 5 से जस्ट बड़ा होता है, तो बस सेम नंबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा नंबर कोई भी ले सकते हैं। एक रैंडम नंबर में चुनना, 5 के बाद 6 आता, तो मैं 6 ले लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 30/60। ओके, और दूसरा हो जाएगा 6/10, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36/60 हो जाएगा।
अब कितना इजी है, 30/60 और 36/60 के बीच का 5 नंबर निकालना कितना आसान है। देखते हैं क्या क्या है, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60। देखिए कितना आसान था, बहुत इजीली हम लोगों ने निकाल लिया ये पांच रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ये तो मैं पॉजिटिव नंबर ले ले रहा हूँ, आप नेगेटिव नंबर भी लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। इस साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, इतने रात में भी गाड़ियां चलती हैं, कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा टॉपिक। तो एक मैं क्या करता हूँ, अब एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस बार मैं 1/2 ले लेता हूँ पॉजिटिव, और -3/5 को ले लेता हूँ नेगेटिव। इनके बीच का 10 रैशनल नंबर चाहिए, ओके लिख देता हूँ, 0.10 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड -3/5। अगेन सेम करेंगे, एलसीएम हम ले लेंगे 10, ओके। डिनोमिनेटर का नेगेटिव है तो ध्यान दीजिएगा, उस माइनस साइन को न्यूमिनेटर को सौंप दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ये मत सोचिएगा कि अगर नीचे अगर माइनस साइन है तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना इस बारे में। अगर डिनोमिनेटर माइनस साइन है वो नेगेटिव साइन को आप न्यूमिनेटर को दे दीजिए, ठीक है, बिना कुछ सोचे। एलसीएम हो जाएगा 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इंटू 5 कर देंगे, 5/10 एंड -3/5 है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -6/10, ओके। अब 5/10 एंड -6/10 के बीच में ऑलरेडी हमको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ओके। और हमको क्या देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक कंफ्यूजिंग चीज, इसको परेशान ना होने के लिए आप देख सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या मिलेगा, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जब मिल जा रहा है बीच में तो हम आगे क्यों सॉल्व करें, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हम -5/10 लिख देते हैं, -4/10, हमें 10 निकालना है याद रखिएगा, -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, हम कितना निकाल लिए, एक और 4/10। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 रैशनल नंबर निकाल लिया। इन केस अगर ये नहीं निकाल पाते, इन केस तो फिर हम वही करते जो हम करने वाले हैं अभी, ये तरीका भी देख लेते हैं। हम क्या करते, 5/10 को 10 से कोई भी बड़ा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते। 10 से बड़ा तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 11 ले लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। आप 10 के बाद 10 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, ओके, जरूरी नहीं कि हम लोग सेम नंबर लें। 110 हो जाएगा, -6/10 है, इसको भी इंटू 11 इंटू 11, ये हो जाएगा -66 और यहाँ पर हो जाएगा 110। अब इनके बीच का भी आसानी से हम नंबर निकाल सकते हैं, ओके। अब इनके बीच का क्या नंबर आएगा देख लेते हैं, इसके बीच तो काफी सारे नंबर आ जाएंगे, हम कोई भी इनके बीच का नंबर ले लीजिए, -63/110, -62/110, -61/110, और इस तरीके से आप आराम से 10 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये वो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन सॉल्व करने में काफी मुश्किल होता है, कैसे निकालें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, आपको नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप डेफिनेटली सीख गए होंगे क्लास 6-7 में, इसलिए उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं नंबर लाइन शुरू करना, ओके। शो 3/4 ऑन नंबर लाइन। बच्चे सोचते हैं सर इसको शो कैसे करें, बहुत बढ़िया एकदम इजी है, देखिए ये 0, ये 1/4, 2/4, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो नंबर लाइन में सबको डिनोमिनेटर में दे दीजिएगा, बिल्कुल आंख बंद करके। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो मैं सबको 4 असाइन कर दे रहा हूँ, नीचे जो भी रहेगा आप वही असाइन कीजिएगा बिना किसी कंफ्यूजन के, ओके। तो हमको क्या करना है, 3/4 दिखाना, आराम से यहाँ पे लाकर आप ये शो कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे एरो से भी शो कर सकते हैं। क्या करें अगर ये नंबर नेगेटिव हो, चलिए एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -5/6, ओके। बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे, ये 0, -1/6, अब ध्यान दीजिए नीचे 6 है तो मैं सबको 6 गिफ्ट कर दे रहा हूँ, अब क्योंकि नेगेटिव में इसलिए हम नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। इससे ये तो शायद ही कोई बताएगा आपको, -5/6 तक आना है हमें, ये आ गया है,
ये हमें मिल गया माइनस फाइव बाई सिक्स इस जगह पर, ओके हमें यहाँ पर 3/4 मिल गया। कितना आसान था ये नंबर लाइन पे शो करना, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है मिक्सड रैशनल नंबर के फॉर्म में, उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इजी हो जाएगा निकालने में, ओके। तो ये छोटी सी टॉपिक थी, छोटा सा चैप्टर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।